अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब फिट फाट है? तो बात कुछ इस तरह की, आज है संडे और संडे को बिल्कुल हम लोग फारिग, कोई काम काज नहीं, ऐसे बोर हो रहे हैं बैठ के। तो अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो सबसे पहले बात करते हैं नाश्ते की। तो संडे है फिर, और क्यों ना आज नाश्ता बाहर से किया जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग अब्दुल्ला को कॉल करेंगे और नाश्ता करेंगे कहीं बाहर से जाकर। अच्छा जी, तो अभी हम लोग आए हुए हैं इधर, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उधर से हम लोग चने लेने के लिए आए हुए हैं। जो चने हैं वो हमें इधर से लोपड़ी मिलती है। उस बंदे ने कहा कि यार चने ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट आए हैं यहाँ लेने के लिए, तो चने आप लोग किसी और होटल से ले आए जाके। तो अभी हम लोग एक होटल पे आए हुए हैं लेने के लिए। A few moments later. भाई जो चने हैं वो हमें मिल चुके हैं, और बायस होशिया पूरे चने लेने के बाद चेक करें, पूरे एक्शन में खड़े हैं। नज़र आ रहे हैं क्या आपको? किस बात पर गुस्सा चढ़ा हुआ? गुस्सा किस बात पर चढ़ा हुआ है आप? They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because. उस्ताद गुस्से में आज पल। याद है यार, कुछ दिन पहले खाई थी, कुछ अरसा पहले तुम लोग के उधर मीरपुर खाई थी हलवा पूरी, बहुत मज़े की थी वो। है हाँ, वाकई वो बहुत मज़े की है। अब ये ट्राई करते हैं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये उससे बेहतर होगी। उसके जो उनसे चने थे ना, वो मज़े के थे। हलवा इतना खास नहीं था, चने काफ़ी मज़े के। उसने पता ना, वो चने के अंदर डाला हुआ होता है दही डाल के मिक्स करके, बाकी दही बहुत मज़ा देता है। अब ये हमने चने दो जगहों से ढूंढे हैं, फिर जाके मिले हैं, तो उम्मीद करते हैं ये वाले उनसे ज़्यादा मज़े के। हाँ चलो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। अब हलवे का ना रंग इस तरह का इन्होंने रखा हुआ होता है कि देख ही भूख लगती है, ऑरेंज कलर का। बंदे का जब सामने पड़ा हुआ तो बंदे का दिल करता है कि यार ये लाजमी ट्राई करना चाहिए। क्यों यार, जो उधर हमारे उधर जो केक्स एंड बेक्स का उन्होंने लोगो बनाया हुआ ना, उन्होंने इस तरह का ऑरेंज कलर का इतना प्यारा बनाया हुआ है कि देख के भूख लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा सुना होता है। ये जो कलर होते हैं ना इस तरह के, इनको देख के भूख लगती है, ये अट्रैक्टिव होते हैं ना जरा, तो बंदा फिर बंदे को देख के भूख लगती है। यही बात, यही सीन उन्होंने इधर किया है हलवे के साथ। हलवे का कलर उन्होंने ऐसे ऑरेंज कलर रखा हुआ कि बंदे को देख के मुंह में पानी आ जाए। मैंने तीन पूड़ियाँ लेनी हो तो बंदा बोले कि छह लगा। हाय हाय, क्या बात। ये सब में भी बहुत लगी भी है हमें, तो हम इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे बेस्ट नाश्ता कौन सा किया है अभी तक अपनी ज़िंदगी में? मैंने नज़दीक आया, थोड़ा सा, थोड़ा ऊंचा बोल। इस्लामाबाद में ऊंचा बोल थोड़ा सा। जब हम गए थे छोटी ईद, जब हम गए थे इस्लामाबाद में, पिछली छोटी ईद पे गए थे। अच्छा, जब मरी गए थे, मरी गए थे, पराठा और जंगली पुलाव और आमलेट वगैरह सब कुछ। ठीक हो गया। नहीं वो बाकी ज़बरदस्त है स्नैन, बाकी ज़बरदस्त वो। हाँ इकट्ठे थे ना। हाँ वो ज़बरदस्त था। हाँ जी, आपने कौन सा नाश्ता किया है सबसे आपको बड़ा याद हो गया? यार वो बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता किया था मैंने, मज़ा आ गया था। यार नाश्ता तो रोज़ करता है बंदा, लेकिन जो मज़ा दोस्तों के साथ, कज़न के साथ आता है नाश्ता करने में, उसका कोई जवाब नहीं होता। नहीं वैसे आपको मैं याद होगा जब मीरपुर आए थे आप, तो हमने नाश्ता किया था हलवा पूरी के साथ। हाँ यार, मैं और अब्दुल्ला आए थे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, उस दुकान का क्या नाम था यार? उस दुकान का नाम वो खुलती सिर्फ 9-10 बजे तक की है, उसको सिर्फ कहते हैं हलवा पूरी की दुकान। हलवा पूरी, और उसके अलावा उसका कोई नाम? हलवा पूरी है भी बड़ी कमाल की, वैसे हैं बहुत मज़े की हलवा पूरी थी उनकी। नहीं बाकी बात तेरी ठीक है, बगैर नाम के इतनी मशहूर है वो। बिल्कुल, वैसे नाम कोई तो होगा। पता नहीं आ रहा है नाम पे कोई फोकस नहीं करता। ठीक है,
तूने ये सबसे बेस्ट स्नैक ठीक हो गया भाई। सीन इस तरह का कि अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे हमने सेटअप लगाना है, इधर बैठ के हम खाएंगे। और हम तीन बंदे नहीं हैं, बंदे हमारे साथ और भी हैं तीन चार, और उनसे हम आपको मिलाते हैं। अभी वो आगे पीछे मुँह कर रहे हैं, छुपा रहे हैं मुँह इस तरह लड़कियों की तरह। ठीक है, तो ये है जी, ये तो बकर है, इसको तो आप जानते होंगे, अब्दुल्ला का भाई है। ये है तैयब, और ये आप इतना बड़ा जो शख्स देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं नाम है बैठी जल्दी जी, मेरा नाम ही भूल गई बैठी जल्दी, मेरा नाम ही भूल गई बैठी जल्दी। चेक करें जी बॉयज, पूरे लंगर प्रोग्राम में ना सीन में बैठे हुए हैं। फुल हो गए नाश्ता करके, मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई नाश्ता करते हुए क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, तो वैसे बनानी भी नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? वीडियो बन रही हो, खाने भी नहीं होते, खाने भी नहीं होता सही तरीके से, कम्फर्टेबल फील नहीं। असल में भूख काफ़ी ज़्यादा हमें लगी हुई थी क्योंकि हम तकरीबन हमें घंटा तो लग ही गया था वहाँ पर हैं वेट करते हुए। हाँ, तो महाराज जी ज़बरदस्त रहा काम। बस यही था आज की वीडियो में, अपना बहुत सारा याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।